Assalamu alaikum dear viewers, environmental chemistry ke lectures ke saath main hu Abibur Rahman. To environmental chemistry mein soil pollution ka chapter chal raha tha aur aaj hamara lecture number 9 hoga aur ye reclamation of soil ke bare mein hoga. Ab reclamation of soil kisko kehte hain, ab isko hum samajhte hain. तो रिक्लेमेशन के बेसिकली दो मीनिंग्स हो सकते हैं. एक मीनिंग तो ये है कि कोई ऐसी ज़मीन खुद से मस्नूई तौर पर पैदा की जाए, यानी कहीं पे पानी हो या समंदर का कोई किनारा हो या कोई झील हो, उसमें सीमेंट या उसके अंदर मिट्टी या उसके अंदर पहाड़ से लाए हुए बड़े बड़े पत्थर डाल करके, फिर उस पर मट डाल करके उसको एक तरह से मस्नूई सॉइल या मस्नूई ज़मीन बना दिया जाए, इसको हम रिक्लेमेशन कहते हैं. और दूसरी तरफ रिक्लेमेशन का एक और मीनिंग भी है, यानी जो हमारा टॉपिक है सॉइल ऑफ रिक्लेमेशन ऑफ सॉइल. अच्छा, अब दूसरे मीनिंग में क्या है कि कोई एक ज़मीन आबाद थी शुरू शुरू में, लेकिन फिर हालात की वजह से या मौसमी तब्दीलियों की वजह से वो ज़मीन बंजर हो गई. अब उस बंजर ज़मीन को दोबारा आबाद करने के लिए उस बंजर ज़मीन के ऊपर मिट्टी वगैरह लाना या ज़रखेज़ मिट्टी कहीं और से लाकर वहाँ बिछा देना, तो इसको हम कहते हैं रिक्लेमेशन ऑफ सॉइल. पहले वाले को हम लैंड फिलिंग भी कह सकते हैं. अब हम आते हैं तरीका जो हम इस्तेमाल करते हैं रिक्लेमेशन के लिए. इस रिक्लेमेशन को इनफिलिंग, लैंड फिलिंग मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं. एक डायग्राम में अगर आपको नज़र आ रहा हो, गाड़ियाँ कुछ पत्थर वगैरह ला रहे हैं और ज़मीन की खाली जगह भर रहे हैं, तो इसमें क्या किया जाता है कि बड़े बड़े पहाड़ों के टुकड़े या पत्थर या मिट्टी कहीं और से ला करके उस जगह डाल दी जाती है और उस जगह को ज़मीन की शिकल दी जाती है. अच्छा जी, अब ये हम करते क्यों हैं, लैंडफिलिंग करते क्यों हैं. असल में ऊपर वाला डायग्राम आपको नज़र आ रहा होगा, इसके अंदर आप देख रहे हैं बहुत से घर बने हुए हैं, तो इसको हम ओवर क्राउडनेस भी कहते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो जाना. यानी आबादी जब बहुत बढ़ जाती है और लैंड नहीं होती, जैसा कि सिंगापुर इसकी एग्जांपल है कि उसकी ज़मीन बहुत छोटी है, तो फिर उसके लिए क्या किया जाता है कि इंसानों की आबादी के लिए उस पानी को या रिवर्स वगैरह को भी मसनू तौर पर ज़मीन बनाकर वहाँ पर घर बनाए जा सकते हैं. और दूसरा रिक्लेमेशन का मकसद ये होता है या लैंड फिलिंग का कि एग्रीकल्चर के लिए ज़मीन मिल जाए, यानी उस जगह को मिट्टी वगैरह डालकर पत्थर डालकर एग्रीकल्चर के लिए उसको मौजू बना देना, ताकि वहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की फसलें फिर उगाई जा सकें. तो ये दो रीजंस थे रिक्लेमेशन के. अब हम आगे चलकर इसके कुछ और रीजंस भी डिस्कस करते हैं. तो नंबर 3 पे हम आते हैं. अब जो रिक्लेम्ड जो ज़मीन रिक्लेमेशन हो चुकी है, उसको हम रिक्लेमेंड लैंड कहते हैं. तो रिक्लेमेंड लैंड को हम क्या करते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के तिजारती कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे फ़िश पॉन्ड्स बना देते हैं जहाँ मछलियाँ पाली जाती हैं. और इसी तरह जो है नंबर 4 पॉइंट में हम डिस्कस करते हैं कि दुनिया में कुछ ऐसी जगह भी हैं जहाँ पर लोग मस्नूई बीच बना लेते हैं, यानी समंदर के पास मिट्टी डालकर पत्थर डालकर मस्नूई बीच बना लेते हैं और फिर उस जगह को तिजारत उस जगह को कमाई के तौर पर वो यूज़
कर रहे होते हैं, तो वो इस प्रोसेस को यानी मसनू बीच बनाने के लिए वहां पर रेत और मड वगैरह जो है इनलैंड यानी दूसरी जगह से जमीन से उठा करके वहां पर डाल देते हैं। तो डायग्राम में आप देख रहे हैं किस तरह से फिश पॉन्ड्स बनाए जाते हैं या मसनू बीच वगैरह। तो अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ। तो पॉइंट 5 में हम बहुत सारी चीजों को एक ही जगह डिस्कस करेंगे कि रिक्लेमेशन जो की जाती है वो पार्क्स बनाने के लिए भी की जाती है, गोल्फ कोर्सेज गोल्फ खेलने के लिए जगह बनाई जाती है, इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के स्पोर्ट्स फील्ड बनाए जाते हैं। अब ये जो रिक्लेमेशन ऑफ सॉइल है या लैंड रिक्लेमेशन है, इसमें मतलब ये दोनों लफ्ज थोड़े से मुख्तलिफ हैं। तो फ़र्क मैं आपको बता दूं कि सॉइल रिक्लेमेशन में हम पहले से मौजूद ज़मीन को दोबारा जरखेज बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि लैंड रिक्लेमेशन में हम एक पानी वाली जगह को या ऐसी जगह जगह जहाँ पर ज़मीन तकरीबन ना होने के बराबर हो उस जगह को ज़मीन की शिकल में लेकर आते हैं और फिर वहाँ पर या रिहायश इख्तियार करते हैं या फसलों के लिए उसको यूज़ करते हैं। तो ये दोनों के अंदर थोड़ा सा फ़र्क है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ साल्टी जो ज़मीन है यानी साल्ट अफेक्टेड जो सॉइल्स हैं उसकी टाइप्स को डिस्कस करते हैं। तो ये तीन किस्म की जो है ज़मीनें होती हैं। एक सेलाइन ज़मीन होती है यानी जहाँ पर शोरा ज़्यादा होता है, और दूसरा जो है सेलाइन सोडिक होता है यानी थोड़ा सा सेलाइन और थोड़ा सा वो बेसिक, और तीसरा सेलाइन सॉइल होता है सोडिक सॉइल होता है सॉरी। तो अब हम आते हैं सेलाइन सॉइल अगर कहीं पर हो तो उसको कैसे रिकवर करेंगे यानी उसको कैसे काबिल काश्त बनाएंगे। तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, बड़ी मकदार में वो सेलाइन सॉइल में वाटर सोल्यूबल साल्ट होते हैं जैसे आप देख रहे हैं क्लोराइड सल्फेट कैल्शियम की नाइट्रेट्स वगैरह। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस ज़मीन को रिकवर करने के लिए यानी दोबारा जरखेज़ बनाने के लिए हम इसमें कोई केमिकल्स या फर्टिलाइजर्स यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि केमिकल और फर्टिलाइज़र से ये ज़मीन दोबारा काबिल काश्त नहीं हो सकती, बल्कि इसके लिए जो बेहतर तरीका है वो या तो लीचिंग का तरीका है या फिर ड्रेनेज का तरीका है। लीचिंग या ड्रेनेज में हम क्या करते हैं कि उस एरिए में ज़मीन में थोड़े से ऊपर सतह पर ट्यूबवेल्स लगा दिए जाते हैं जो वहाँ के शोरे वाली पानी या नमकीन पानी को निकाल लेता है और उन नमकियात को फिर हम वहाँ से कहीं और लेकर चले जाते हैं। तो वो ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता नमकियात से खाली होना शुरू हो जाती है। इसी तरह रेगुलर इरिगेशन अगर वहाँ पर की जाए यानी मुसलसल काश्तकारी वगैरह करते जाए तो आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन ठीक होना शुरू हो जाती है। अब हम आते हैं सोडिक सोइल को कैसे रिकवर किया जाए यानी एक ज़मीन सोडिक है उसकी किस तरह उसको ठीक किया जाए। तो इसके लिए सोडिक सॉइल में सोडियम बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है, वो वाटर ले नहीं सकता, उसमें सिल्ट और क्ले ज़्यादा होते हैं। तो उसको हम क्या करते हैं, सोडियम को कैल्शियम से रिप्लेस करते हैं। इसके लिए हम कैल्शियम के साथ जिप्सम यूज़ करते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।